तो सलाम बा भाई लोगिन, कैसन बानी जा। दरअसल आज हम बात कर बानी कुणाल तिवारी और काजल यादव के फिर से एहन लोग के जोड़ी वाला एगो बहुत ही सुंदर टाइप के फिल्म्स जौना फिल्म्स के बारे में रहूँ लोगों के बताई। फिल्म्स के नाम बा झूला। हाँ तो सावन के झूला ना हुए, आखिर कौन झूला ए फिल्म्स में देखे के मिली, चली सब कुछ बताई। बस एगो काम करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाई, बाकी संगे मित्र संगे भी शेयर कल करी। चलिए हमने के वीडियो चालू कर दिया जा जौना फिल्म्स के नाम बा झूला। झूला अपना नाम में एगो अलग टाइप के कंसेप्ट लग रहा है, सही बता रहा में एगो अलग टाइप के कंसेप्ट लग रहा बटे। काहे कि भोजपुरी में अक्सर रीजनल टाइप के कंसेप्ट बनावल अगर देखल जा तो यश कुमार और कुणाल तिवारी के अलावा अभी लगभग लगभग केहू काम करत नहीं। सबके कमर्शियल फिल्म्स और एक्शन वाली फिल्म्स मसाला फिल्म्स कर पसंद कर लन जाए, लेकिन कुणाल तिवारी और यश भैलन जाए एहन लोग अक्सर मतलब एकदम नेचुरल टाइप के अंदाज वाली फिल्म्स करत रह जाए। सच में आवे वाला कल में एक्टर के दिन वापस आवे वाला बा। सबसे बड़ बात और सबसे खास बात ये बटे कि फिल्म के लेखक और निर्देशक संतोष मिश्रा बन। वह संतोष मिश्रा जौन दिनेश लाल निरहुआ रवि किशन के लेके कौन कौन प्रियंका चोपड़ा के मतलब प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म्स बने रहन और वो फिल्म्स के कितना उम्मीद रहे, लेकिन वो फिल्म्स संतोष मिश्रा के कहाँ ले गुल। पटना से पाकिस्तान बनावे वाला संतोष मिश्रा आज झूला बना रहा बड़न, यानी फिर से अब उठे के कोशिश कर रहा बड़न। अब ये उठ के फिर का करियन अब थोड़ा सा हमके सोच के भी अजीब लगा था। तो फाइनली झूला फिल्म्स के लगभग लगभग शूटिंग अब कंप्लीट करे गुल भैया। दरअसल फिल्म्स में कुणाल तिवारी सच में एगो नेचुरल अंदाज दिखावे वाला बड़न, काहे कि फिल्म्स के बीचों बीच एगो ऐसा सीन बा जौना में वो कपार छिलवा के अपन वो रोल के निभावत रहन, ना कि कौनो वीक लगा के, यानी एकदम से 100% में 100% कुणाल तिवारी देवे के कोशिश कर रहा बड़न। अभी कितना खास हुई, कितना यूनिक्स हुई, जब भी फिल्म्स बन के हमने के सामने आई तो खुद ब खुद पता चल गई। दरअसल फिल्म्स के निर्माता बड़न धीरेन्द्र कुमार झा और लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा। बाकी इतना ही बा अपडेट्स, आगे जौन भी आई रहूँगा सबके जरूर बताएं। बाकी हम जीत सलाम हो।